तो आज का जो वीडियो है ये होने वाला है बहुत ही सिंपल। इसको कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर ले, मेल भी कर ले, फीमेल भी कर ले, ये इतना आसान है। क्योंकि आज मैं कोई सिलाई सुई धागा का यूज़ ही नहीं करूँगी। ये है मेरा बहुत ही पुराना कारपेट और ये चूहों ने कट कर लिया है। अब कट कर लिया तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? मैं इसको कोई कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने बोला इसको काट करके कुछ छोटा सा बना दो रस टाइप का। लेकिन ये इतना अच्छा है, इसको हम काट करके क्या कर सकते हैं? अगर इसके ऊपर कुछ फैब्रिक करेंगे, कुछ भी करेंगे तो फिर एकदम डिफरेंट हो जाएगा। अभी भी इसकी कंडीशन अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन इसका सब कुछ अच्छा है, कहीं से कुछ फेड नहीं हुआ है। लेकिन इसको ना जैसे ये फोल्ड था परतों में, तो जहाँ पे ये फोल्ड था उस हिसाब से ना पूरे इसने चूहे ने कट कर लिया है। तो जहाँ जहाँ पे जैसे एक साथ फोल्ड करके फैब्रिक जो कट होता है तो जब ओपन करेंगे तो अलग अलग जगह पे ये आ गया है। तो अच्छा खासा मोटा है ये और इसमें जितने भी होल हैं इनको रिपेयर करेंगे बिना कटिंग के, बिना सिलाई के। मैं कोई भी सिलाई मशीन सुई धागा कुछ भी नहीं यूज करूंगी, सिंपल एक आसान ट्रिक से तो मैं तो अपनी ये कारपेट को ठीक करूंगी। लेकिन आप इसी तरीके से आपके पास रजाई हो, कंबल हो, रग्स हो, कारपेट हो, कुछ भी हो, आप किसी भी तरह की चीजों को ठीक कर सकते हैं बिना कटिंग के, बिना सिलाई मशीन के, बिना सुई धागे के। तो बहुत आसान ट्रिक है मेरा ये देखिए जो मेरा कारपेट है ये काफी कलरफुल है, अच्छा खासा मोटा है, विंटर में यूज करने लायक है। लेकिन जो उन्होंने कट कर दिया तो आप इसका क्या कर सकते हैं? इसको काट पीट करके कुछ भी छोटा सा बना लेंगे, बड़ा सा बना लेंगे, तो मुझे कुछ मजा नहीं आया क्योंकि ये बहुत अच्छा है, काफी पुराना भी है और बहुत टाइम से इसको हम यूज कर रहे हैं। लेकिन जो हमने इसको निकाल कर दिया, लेकिन अब इसको फिर से कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं बिना कुछ करें, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है। तो वीडियो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है। आप इसी तरीके से अपनी चीज़ों को यूज कर सकते हैं, फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं कैसे रिपेयर कर दूँ आज का वीडियो इसी टॉपिक के लिए। तो बहुत प्यारा था ये मेरा कारपेट है और मैं इसको बनाऊंगी फिर से नया जैसा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कारपेट को अच्छे से सेट कर लिया फर्श पे। आपको जो भी रिपेयर करना है उसको अच्छे से सेट कर लीजिए। और मेरे पास यहाँ पे जगह कम है तो मैं आपको फुल प्रॉपर अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन ये देखिए ये चूहे ने कट करा है। अब इसी तरीके से इस साइड भी कॉर्नर में जहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इसको कट करा है और इसी तरीके से छोटे छोटे और भी इसने होल करे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे रिपेयर करूँगी ताकि ये पता भी ना चले कि ये डिज़ाइन से अलग है। इसका पैटर्न समझिए, इसमें देखिए फ्लावर बने हैं और इसमें रेड कलर है, ग्रीन कलर है और ऑरेंज येलो सब कुछ है। तो कुछ इसी को ही मिलता जुलता करेंगे, कुछ भी अलग करने की कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ। चीज़ ऐसी बनाऊँगी कि वो इसी में पूरा मिक्स एंड मैच हो जाए और कहीं से लगे ना कि ये कुछ रिपेयर है, मतलब पता भी ना चले। जबकि मैं ऐसा काम करूँगी ये और सुंदर लगे, ठीक है? तो कोई कटिंग तो कर ही नहीं रहे, कोई सिलाई मशीन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत सिंपल ट्रिक से इसको हम रिपेयर करेंगे ताकि ये और अच्छा हो जाए। ये देखिए एक दो जगह यहाँ पे इसने और कट करें और ये जो कॉर्नर वाली जगह है ना इसको मैं कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये साइड में है। आप इसको अगर ज़्यादा कट हो तो आप कोई भी पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लेस यूज़ कर सकते हैं सिंपल प्लेन वाली, क्योंकि इसमें हम जो कुछ भी यूज़ करेंगे जो बहुत सॉफ्ट हो, चुभे ना पैरों पे, ठीक है? तो चलिए इन होल को रिपेयर करते हैं अपने उसी पुराने ट्रिक से जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ। साड़ी को जब भी मैं रीयूज करती हूँ तो इनके जो लेसेज है ना इनको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। तो ये जो पूरा भंडार है सब पुरानी लेसेज ही हैं, साड़ियों की हैं, और आप ध्यान से देखिए आपको सब कुछ इसी में ही मिल जाएगा। तो देखिए मेरे जो कारपेट में फ्लावर बने हैं इसी से मिलते जुलते कुछ लेसेज मुझे मिल गई हैं जो कि साड़ी की हैं। और साड़ी को तो मैंने ऑलरेडी रीयूज़ कर लिया है, कुछ ना कुछ बनाया है वीडियो में, आप उसको चेक कर सकते हैं। और मैं दो तरह की लेसेज लूँगी, छोटे होल के लिए और बड़े होल के लिए। ये देखिए पूरा परफेक्ट मैच कर रहा है इसके फ्लावर और इस मोटिव के फ्लावर, ठीक है? और इसमें पूरा रेशम वर्क है, कहीं से भी मतलब चुभेगा नहीं, बहुत ही सॉफ्ट है और एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। बस इसी को ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैं ये इस तरह के और पैचेस ले रही हूँ, ये भी साड़ी के हैं। सेम साड़ी में दो तरह के पैचेस लगे थे तो मैंने इनको निकाल लिया और अब इसको यूज़ करने का एकदम परफेक्ट टाइम है। इस वाले को नहीं यूज़ करी क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है। तो चलिए अब देखते हैं इनको हम कैसे स्टिक करते हैं। वैसे तो इसको आप आराम से ग्लू गन से स्टिक कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। लेकिन अगर आप मेरी तरफ क्राफ्ट पर्सन है तो ज़रूर रखिए ग्लू गन, नहीं तो आप इसको सिंपल फैब्रिक ग्लू से भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सस्ता 20-30 रुपए का आ जाता है, आप इसको सारे अपने फैब्रिक के जितने भी होल हैं इनसे रिपेयर कर सकते हैं। मैं सिंपल स्टिक करूँगी और ये आराम से चिपक जाएगा। 6-7 घंटे बाद जब ये सूख जाए आप इसके ऊपर प्रेस कर लीजिए, ये पूरा स्टिक हो चुका होगा।
तो यहाँ पर इसको सिंपल तरीके से स्टिक कर रहे हैं। ये देखिए इस कॉर्नर को मैं ऐसे लगाऊंगी ताकि इसका जो बॉर्डर है देखिए ऊपर वाला वो इसके नीचे आ जाए और ये इसमें अच्छे से स्टिक हो जाए। तो आप चाहे तो रेड इस तरीके से यहाँ पे भी रख सकते हैं, येलो को ऊपर कर लीजिए तो ताकि कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से सेट हो जाए। और पूरा पैटर्न इस तरीके से सेट कर रही हूँ ताकि चारों कॉर्नर में भी सेम छोटे वाले पैचेस आ जाएँ और एक पैच इसके ऊपर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक होल नहीं है लेकिन दूसरे कॉर्नर पे इसके ऊपर एक होल है। तो मैं इसको यहाँ पर स्टिक कर ले रही हूँ। सिंपल फैब्रिक ग्लू लगाइए, या फिर अगर फैब्रिक ग्लू अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो आप फैब्रिक बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन बेस्ट हैं, ये सस्ता रहता है, आप इसको यूज़ करिए। तो देखिए सेंटर वाले होल को मैंने रिपेयर कर दिया है और इसी तरीके से दोनों कॉर्नर में पैचेस लगा दिए हैं और यही पैटर्न सेम इस साइड भी कर दिया है। ये देखिए तो ये पूरा कारपेट रिपेयर कर दिया है कुछ ही मिनटों में। हाँ मुझे बताने में समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन इसको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। आप इसी तरीके से अपनी सारी चीज़ों को रिपेयर कर सकते हैं, जैकेट्स हो उनको भी रिपेयर कर सकते हैं, बच्चों के कपड़े उनको भी रिपेयर कर सकते हैं इस आसान तरीके से। तो कोई भी आपका फेवरेट क्लोथ हो या फिर रक्स हो, कारपेट हो या फिर ब्लैंकेट हो, सबको आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो है ना आसान तरीका, कुछ ही मिनटों में हो जाता है। छोटा सा वीडियो और इसको मैंने कंप्लीट करा है सिर्फ कुछ मिनटों में। कुछ मिनटों में मैंने पूरा एक अपना कारपेट रेडी कर लिया, फिर से यूज़ करने के लिए रिपेयर कर लिया। तो इसी तरीके से आप भी क्वेल्ट ब्लैंकेट कुछ भी आपके पास क्लोथ हो उसको रिपेयर कर सकते हो, इस विंटर में से यूज़ कर सकते हो। तो अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कर लीजिए ताकि इसी तरह के अच्छे और यूजफुल वीडियोज़ आपके पास आते रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।